गुड मॉर्निंग, हाय दोस्तों, और राधे राधे मेरे तरफ से आप लोगों सभी को। मैं देखो बालाजी से आई थी, अभी लौट के आई हूँ। अंशी को नीचे छोड़ दिया है, पापा जी ने ले लिया था। अंशी को भी भूख लगी थी, फिर पापा जी ने ले लिया है, नीचे है अभी। ये देखो सर्दी है बहुत तेज, अब धूप निकल आई हैगी। आज कोहरा था, हल्का हल्का बहुत कोहरा था, और देखो धूप निकली है आज। हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं, हवा आई लगी बहुत तेज। ऑटो में बैठे हुए थे तो हवा बहुत तेज लग रही थी, सर मेरे सीधे निकल गए हैं, मैं यहीं उतर गई थी। आज तो कपड़े बहुत सारे धुलने को रखे हैं मेरे, देखो मैंने भी नहा लिया था सुबह, धुल के नहीं गई थी और मैं ऐसे ही चली गई थी, कपड़े नहीं धुले थे। और लाइट भी है, अगर सर्दी लग रही थी। आप लोग कैसे हो? मैंने गोभी के पराठे बनाए थे उस दिन, फूल आए थे ना, दिखाया था, तो गोभी के पराठे बनाए हैं हमने, और अभी खा के नहीं गए थे मैं, अब आके खाती हूँ मैं। और आप लोग कैसे हो? सर्दी है, देखो मैं तैयार थी और चोटी भी नहीं करके गई थी, क्योंकि मेरे ज़्यादा लंबे बाल तो है नहीं, छोटे छोटे हैं और तो बाल भींगे हुए थे, इस वजह से आज बंदर भी मेरे यहाँ आ गया था, नीचे दीदी के यहाँ पे नीचे आ गया था। और दुख शॉप है बाहर, नीचे बंदर नमकीन भी ले गया है और हम लोग ऐसे ही, देखो अभी मेरा ऐसे ही डला है। देखो अंशी सो रही थी, मैं सो के उसे नहलाया नहीं था, कल नहला दिया था दोपहर में, मैं मना कर रही थी फिर भी मैंने नहला दिया था, वो सो रही थी, मैं ऐसे ही लेके चली गई थी, इस वजह से अब मैं साफ करने जा रही हूँ। अंशी भी नहीं है यहाँ, अभी उनके बाबा जी ने ले लिया है, खेल रही हैं अभी नीचे, अब वो भी अब रोने वाली हुई हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं, दूध भी नहीं पिया है सुबह से, जब से जगी हैं तब से नहीं कुछ खाया है, इस वजह से अब उन्हें भी भूख लगेगी। और मैं देखो नमकीन लेके आई थी, क्या क्या लेके आई हूँ मैं, कुछ लेके नहीं आई हूँ मार्केट वहाँ से बालाजी से, सिर्फ दो चीज़ें तीन चीज़ लेके आई हूँ। ये नमकीन लेके आई थी जो आती है, क्योंकि दिन में ये लगता है कुछ खाते रहो, इस वजह से मैं लेके आई थी। और दो तीन चीज़ें और लेके आई हूँ, वो दिखा रही हूँ मैं आपको। ये सेंकने के लिए लेके आई थी, और ये मैगी लेके आई थी, और पोहा लेके आई थी। मेरे पोहा और मैगी रखी रहती है हर समय, अब ख़त्म हो गई थी, इस वजह से फिर मैं लेके आई, थोड़ी थोड़ी लेके आई थी, ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ, और इस वजह से। और मेरे पराठे मैंने उसके गोभी के बनाए थे, सर मेरे मठा लेके आए थे हम यहाँ से शॉप से, और पराठे मैंने देखो बनाए हैं, देखो खा जाओ आके सभी लोग, अब तो ठंडे हो गए हैं। मैं बना के सुबह निकल गई थी, जल्दी जल्दी नहा लिया था, क्योंकि सर्दी भी बहुत थी इस वजह से, और टाइम भी बहुत हो गया है। यहाँ पे कितने बज गए? 11 बज गए हैं, 12:15 बजने जा रहे हैं। मैं यहाँ से निकल गई थी 9 बजे निकल गई थी इधर से, इस वजह से इतनी लेट हो गई हूँ, पता नहीं 9 बजे निकली थी, कितने बजे मैंने नहीं टाइम देखा था इस वजह से। और आज धूप भी निकल आई है, बट निकली है धूप, फिर भी सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। ये चुन्नी लगा देती हूँ गेट के बाहर पे, अब हवा नहीं आए शाम को, इस वजह से। एक आंसी का जूता देखो यहाँ डला है, एक पहने हुए हैं, ये देखो डला है, एक पहने हुए थे तो मैंने ये दाना डाल दिया होगा कहीं, मैंने देख लिया था इस वजह से, मैंने कि रास्ते में कहीं डाल दिया होगा। देखो धूप निकल रही है थोड़ी थोड़ी सी, हल्की सी, पर हवा चल रही है, देखो हवा चल रही है, देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, इधर देख रहा है, इस वजह से सर्दी है वैसी है। हाथ बहुत तेज ठंडे से हो चुके हैं, बहुत सारे बर्फ सी पड़ रही है, इस वजह से सर्दी है अब पड़ने लगी, दो दिन से बहुत पर सर्दी पड़ने लगी। और मैं तो धूप में बैठने जा रही थी, अब थोड़ा सोचा लाइट भी चल रही है तो कपड़े धुल दूँ,
मेरे भी डले हैं कपड़े, अब निरमा है नहीं इस वजह से मैंने नई मशीन में धुले थे। आज निरमा आ जाएगा तब मैं धुलूँगी कपड़े, कभी मैं रखती नहीं हूँ। बट अब 2 दिन हो गए मैंने कपड़े नहीं धुले हैं, आज भी नहीं धुले, कल भी नहीं धुले थे। मैं अपने ही धुल रही हूँ अकेले, सर के नहीं धुल रही हूँ। ये देखो डले हैं और वहाँ पे भी डले हैं, मैं धुल देती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ, हाथों से ही धुल देती हूँ। साबुन भी सर्दी की वजह से मैंने नहीं धुले हैं। अब निरमा देखो आज लेके आएंगे तब मैं धुल दूँगी। और मैं बैठी हूँ, देखो चूल्हे पे बनाया था सब कुछ, काम करके गई थी मैं, यहाँ चूल्हे पे बना लिया था खाना सब कुछ और फिर मैं गई थी। देखो बाल भी सूख गए हैं, छोटी वगैरह करूँगी, अब शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी। और बालाजी की मैंने बनाई थी वहाँ पे भी अब डाल दूँगी मैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक कर दें और बाय सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मेरी वीडियो जो देखते हैं उनके लिए थैंक यू, क्योंकि बहुत बहुत थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, टाइम निकालने के लिए। थैंक यू।